प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले मादक पदार्थों के तस्करों के रैकेट को ध्वस्त करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। वो क्या तस्कर कमल राणा और तस्कर विष्णुदास बैरागी की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई। इसके तहत आज पीपलखूंट में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर बने एक बहुमंजिला परिसर को फ्रीज करने की कार्रवाई भी की गई। इस दौरान जांच अधिकारी दीपक बंजारा सहित 4 थानों के पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहे। वह इस मामले को लेकर आज बांसवाड़ा रेंज IG S परिमाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मामले की जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। हमारे SP साहब श्री अमित कुमार जी बुढ़ानिया प्रतापगढ़ जिला SP के निर्देशन में एक नई शुरुआत की गई। इस तौर पे कि पहले जो कार्रवाई होती थी केवल मादक पदार्थ का परिवहन करने वालों पर जो कार्रवाई होती थी, इसके साथ ही SP साहब ने पहल करते हुए एक ड्रग बस्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया। इसके अंतर्गत पूरे चैनल को समझना, इनकी क्या मोडस ऑपरेंडी है, इनको कौन कौन सपोर्ट करता है, इन्होंने अपने जो अवैध मादक पदार्थों से जो पैसे कमाए उनसे जो जो प्रॉपर्टियाँ ले रखी है उनका चिंतीकरण, और इनको इस सारे मामलों में इनके बैंक खातों में या और इनको वित्त पोषण करने वाले, इनको आश्रय देने वाले सभी का चिन्हीकरण करते हुए एक बड़ा प्लान बनाते हुए SP साहब ने शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हमने पिछले दिनों 2 कार्रवाई की। एक तो 3 स्कॉर्पियो जो हमने छोटी साबित थाना क्षेत्र में पकड़ी थी, इसमें लगभग हमने 1300-1400 किलो डोडा छुरा पकड़ा था, 2 पिस्टल और उसमें फायरिंग भी हुई थी। और दूसरी कार्रवाई हमने 3.5 किलो अफीम 14 लाख रुपए कैश बीरावली में जब्त किया था। उन दोनों कार्रवाईों में मुलजिमों को अरेस्ट करने के बाद छोटी सादड़ी वाली कार्रवाई में हमने 33 मुलजिम अरेस्ट किए थे, नामजद किए उसमें 16 गिरफ्तार किए थे, और बीरावली वाली कार्रवाई में भी पिता पुत्रों समेत एक विष्णुदास जी और उनके 2 बेटों को अरेस्ट किया था। अब इनको अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने इस बार नवाचार ये किया है कि इसमें उन्होंने उनकी जो भी इन्होंने इतने सालों से जो संपत्ति इन्होंने इकट्ठी करी इस अवैध धंधे से, उनका चिन्हीकरण किया, चाहे वो उनके नाम पे हो या चाहे किसी और के नाम पे हो। और के नाम पे होने पर भी उसको कनेक्ट करते हुए पुलिस ने इसकी जो कंपिटेंट अथॉरिटी होती है दिल्ली में सफेमा कोर्ट में, वहाँ हमने प्रपोजल भेजा था SHO सालमगढ़ और मेरे द्वारा SHO छोटी सादड़ी द्वारा हमने इसको फ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया था। आज उस फ्रीजिंग ऑर्डर को सही मानते हुए उसकी मियाद होती है 30 दिन की, तो उसमें इसको स्थायी किया गया है और ये माना गया है कि वास्तव में संपत्ति अवैध धंधे से कमाए हुए रुपयों की है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ आए हैं, ये बोर्ड हमने चस्पा किया, इनको अवगत कराया है कि ये प्रॉपर्टी में न तो कोई स्थानांतरित की जा सकती है न बेची जा सकती है, इसका बेचान विधि विरुद्ध है। आगे भी इस प्रकार के अवैध मादक पदार्थों से जो लोग तस्करी से जो पैसे अर्जित करते हैं उसका हम निगरानी रखते हुए ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। दोनों मामलों में कहां कहां पे कार्रवाई की गई? इनमें मुख्य रूप से हमने नीमच जिले के जीरण कस्बे में एक प्रॉपर्टी बड़ी फ्रीज की है, इसके अलावा मंदसौर पाली जिले में किए और बाली तहसील में किए जो मकान है, पीपलखूंट में हमने फ्रीजिंग की है। कुल मिलाकर लगभग 13 करोड़ की संपत्ति हमने दोनों मामलों में फ्रीज की। NDPS केसेस का मुलजिम का प्रॉपर्टी फ्रीज करने के लिए अमित कुमार IPS SP प्रतापगढ़ का लीडरशिप में एक स्पेशल टीम गठित किया है। 2 केसेस का NDPS केस रजिस्टर हुआ है, 20 kg OPM एंड 803 kg पापी हस्क सीज करके FIR नंबर 93 मार्च में थाना छोटी सदड़ी में राजस्थान में किया है, इसमें कमल राणा और उनका गैंग मुंजी में। दूसरा केस 3 kg OPM सीज किया है, FIR नंबर 20723 आरनो थाना में रजिस्टर किया है। सो SP प्रतापगढ़ उनका टीम का मेटिकुलस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वजह से राजस्थान पुलिस में फर्स्ट टाइम बांसवाड़ा रेंज के प्रतापगढ़ जिला का 15 करोड़ वैल्यू का प्रॉपर्टी फ्रीज किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ऑफिस ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976, प्रोहिबिशन ऑफ बिनामी प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन एक्ट 1988 अंडर सेक्शन 68(f)(2) NDPS एक्ट में 20 नाव को यह ऑर्डर दिया है। प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करों के खिलाफ राजस्थान पुलिस बड़ी कार्रवाई
पर उतारू है, या ये कहा जाए कि राजस्थान पुलिस तस्करों के खिलाफ अब खुलकर मैदान में है, या ये भी कहा जा सकता है कि प्रशासन ने या सरकार ने राजस्थान पुलिस को पूरी छूट दे रखी है कि तस्करों या मादक पदार्थ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी संदर्भ में राजस्थान के मुखिया डीजीपी उमेश मिश्रा के नेतृत्व में कुख्यात तस्कर कमल राणा को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया था और प्रतापगढ़ पुलिस को सौंपा गया था। प्रतापगढ़ पुलिस ने आज उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी लाखों करोड़ों की संपत्ति को फ्रीज किया, एक परिसर को फ्रीज किया और कमल राणा और उसके साथी विष्णु बैरागी की संपत्तियों को कुर्क किया गया। आपको बताते चले कि राजस्थान पुलिस लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई को करने के लिए आज प्रतापगढ़ में 4 थानों की पुलिस लगाई गई और आईओ दीपक बंजारा, एसएचओ दीपक बंजारा के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसकी जानकारी आईजी एस परिमाला ने आज पत्रकारों के समक्ष दी और कहा कि पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ ये कार्रवाई जारी रहेगी। देखना होगा कि राजस्थान में अब और मादक पदार्थों या तस्करों के खिलाफ पुलिस को कितनी बड़ी सफलता मिलती है। प्रतापगढ़ से सहयोगी तेजकरण राठौड़ के साथ डीएल न्यूज 21।